फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग सीखेंगे। नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर, और इस वीडियो में हम यूनरी ऑपरेटर्स को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग कैसे करते हैं? यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स जो एक आर्गुमेंट लेते हैं या सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम करते हैं, उनको यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। और उसको ओवरलोड कैसे करते हैं? जैसे यूनरी ऑपरेटर है, वो किसी वेरिएबल के लिए काम करता है, उसको प्लस प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस कर सकते हैं। तो वेरिएबल तो काम कर रहा है, लेकिन अब अगर इस ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ काम कराना है तो कैसे काम कराएंगे, ये हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स के उदाहरण हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। यूनरी माइनस भी होता है और लॉजिकल नोट भी यूनरी ऑपरेटर होता है। तो अभी एक प्रोग्राम से हम प्रीफिक्स जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करना सीखेंगे। और यहाँ पर जो हम फंक्शन बनाएंगे इसके लिए, वो रिटर्न नहीं करेगा, उसका रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा। तो आईओ स्ट्रीम फाइल इंक्लूड किया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर एक टेस्ट नाम की क्लास बनाई और उसमें एक इंटीजर वेरिएबल बनाया आई, जो कि प्राइवेट रहेगा। पब्लिक के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट, और यहाँ पर हमने आई की वैल्यू 0 असाइन कर दी। फिर हमने फंक्शन बनाया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को ओवरलोड करने के लिए, तो वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, और यहाँ हमने प्लस प्लस आई लिख दिया। डिस्प्ले कराने के लिए वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाया और उसमें सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। मेन फंक्शन के अंदर हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो ये आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। फिर हम प्लस प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, प्लस प्लस ऑपरेटर है उसकी ओवरलोडिंग हो जाएगी। और अभी तक हम किसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर वापस ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट होने के बाद में वापस डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू रिटर्न 0। तो पहले आई की वैल्यू 0 थी और हमने ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट किया, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही एक एलिमेंट है आई, हमने फंक्शन के अंदर आई को ही प्लस प्लस किया है, तो आई भी प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल है वो भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो प्रोग्राम को समझते हैं अपन। इनिशियली जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है तो जो डेटा मेम्बर है आई, उसकी वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर उसको इनिशियलाइज कर रहा है 0 से। और जब प्लस प्लस ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट पर ऑपरेट करेगा, तो ऑपरेटर फंक्शन वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस जो हमने बनाया था वो कॉल होगा, और वो इंक्रीज करेगा डेटा मेंबर की वैल्यू आई को 1 से। अब हम यहाँ पर क्या है, ऐसा फंक्शन बनाया है ओवरलोड करने के लिए जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हमने प्लस प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया। अगर हम रिटर्न टाइप भी उसमें बताएंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू अपन इसमें असाइन कर सकते हैं। तो ये नीचे वाले प्रोग्राम में हम देखेंगे यहाँ पर,
ये रिटर्न टाइप भी रहेगा। ये बिल्कुल ऊपर वाला प्रोग्राम है वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हमने ये यहाँ पर चेंज किया है। देखिए ये जो ऑपरेटर फंक्शन है उसका ऊपर वाले में जो रिटर्न टाइप था वो वॉइड था, वॉइड का मतलब कुछ नहीं, और यहाँ पर हमने टेस्ट रखा है रिटर्न टाइप। टेस्ट क्लास का नाम है हमारा, तो क्लास जिस टाइप की है वही रिटर्न टाइप हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकता है, तो यहाँ पर हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया टेम्प, और प्लस प्लस आई पहले भी कर रहे थे अभी भी कर दिया, फिर टेम्प डॉट आई के अंदर आई की वैल्यू हमने असाइन कर दी और फिर रिटर्न कर दिया टेम्प को, तो ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इस तरह से ये लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, देखो पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वन दोनों के आई की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, तो दोनों वैल्यू कितनी है 0 0, और फिर दोनों वैल्यू 1 1 हो गई है। तो बिल्कुल ऊपर वाले प्रोग्राम की तरह ही था ये, लेकिन डिफरेंस ये था कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, रिटर्न टाइप था। तो रिटर्न टाइप था इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उस वैल्यू को अपन दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं। अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। यहाँ पर हम पोस्ट इंक्रीमेंट को समझेंगे, अभी तक प्री इंक्रीमेंट को हमने देखा है, अब पोस्ट इंक्रीमेंट को देखेंगे। तो ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है उसको ही हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, लगभग प्रोग्राम वैसे रहेगा। हमने क्लास बनाई है टेस्ट प्राइवेट इंट आई, पब्लिक टेस्ट आई 0, टेस्ट ऑपरेटर प्लस प्लस। यहाँ पर हमने टेम्प डॉट आई में प्लस प्लस आई कर लिया, रिटर्न टेम्प। तो ये तो यहाँ पर तो आई 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 की वैल्यू तो प्रीफिक्स से ही अपन इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स में अपने को क्या है कि इसके अंदर जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अपन पोस्ट फिक्स लेंगे तो इसमें टेस्ट ऑपरेटर प्लस प्लस और ये बताना पड़ेगा अपने को। ये कोई पैरामीटर नहीं है वैसे, कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये इंट हमें बताना पड़ेगा। बिना ये बताए हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ डिस्प्ले करा देंगे, यहाँ पर टेस्ट क्लास के हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, दोनों को डिस्प्ले करा दिया। फिर ऑब्जेक्ट वन के अंदर प्लस प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, और फिर ऑब्जेक्ट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट वन डिस्प्ले कर दिया। ये प्रीफिक्स हो गया इंक्रीमेंट में और ये पोस्ट फिक्स हो गया। वैल्यू देख लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वन दोनों की आई की वैल्यू इनिशियलाइज 0 पर हुई थी, फिर हमने प्री इंक्रीमेंट किया तो 1 1 वैल्यू हो गई थी, फिर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया। पोस्ट इंक्रीमेंट किया है तो इसमें देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है,
की ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो प्लस वन हो गई है, लेकिन पोस्टफिक्स में बता जब आई की वैल्यू, आई पर हम पोस्टफिक्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लगाया है यहीं पर लगाया है हमने ये रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट है वो तो प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वन है वो नहीं होगा, क्योंकि पोस्टफिक्स में हमें पता है कि जब असाइनमेंट हम करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी ऑब्जेक्ट वन में और इंक्रीमेंट बाद में होगा। पोस्ट का मतलब ये होता है वैल्यू पहले असाइन हो जाएगी और इंक्रीमेंट बाद में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट में पहली वैल्यू कितनी थी आई की वन, तो ऑब्जेक्ट वन में वन चली जाएगी, तो ऑब्जेक्ट वन तो वन ही रह जाएगा और ऑब्जेक्ट इसमें असाइन होने के बाद में इसमें इंक्रीमेंट होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट है वो टू हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो आउटपुट है वो ऐसा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो टू हो गई लेकिन ऑब्जेक्ट वन की वन ही रहेगी, हमने ये डिस्प्ले कराया था यहाँ लास्ट में ये रहा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो टू हो गई लेकिन ऑब्जेक्ट वन की वन ही रही, ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले पुरानी वाली वैल्यू थी वो चली गई ऑब्जेक्ट वन में और इंक्रीमेंट बाद में हुआ है, ये इसलिए ऐसा आएगा। इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको हम देख ले समझ लेते हैं, ये प्रोग्राम है इसमें आईओ स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास बनाई टेस्ट इंटीजर आई प्राइवेट टाइप का पब्लिक में टेस्ट आई के अंदर थ्री डाला और टेस्ट ऑपरेटर ये ओवरलोडिंग की, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इंक्रीमेंट था वैसे डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ये पोस्ट फिक्स कर लिया इसके अंदर, ये डिस्प्ले करा दिया हमने आई की वैल्यू को, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना दिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वन, दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करा दी तो पहले तो बराबर आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट वन के अंदर डिक्रीमेंट कर दिया प्री डिक्रीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू डिस्प्ले करा दी, फिर पोस्ट डिक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू हमने थ्री डाली थी तो पहले थ्री थ्री आ गई, फिर उसके बाद में प्री डिक्रीमेंट किया है तो प्री के अंदर अपने को पता है पहले वैल्यू कम हो जाएगी उसके बाद में असाइन होगी, तो दोनों की वैल्यू टू टू आ जाएगी, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या होगा कि असाइन तो कौन सी होगी, पुरानी वाली वैल्यू, पुरानी कितनी थी टू, तो ऑब्जेक्ट वन के अंदर तो ये टू आ गई और उसके बाद में डिक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट है ना, तो इसलिए आई की वन, जैसे इंक्रीमेंट में समझा था वैसे ही असाइनमेंट पहले हो जाएगा और ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होगी, तो इसी तरह से जो दूसरे यूनरी ऑपरेटर्स है जो नोट है टिल्ट है ये भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। थैंक यू।